हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द गिवन फिगर इज रिलेटेड टू द हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। आइडेंटिफाई ए टू एफ विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस। तो हमें क्या करना है, जो फिगर गिवन है ये रिलेटेड है किससे? कॉकरोच के हेड रीजन से रिलेटेड है। हमें आइडेंटिफाई करना है ए टू एफ। तो बेसिकली हमें जो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, जो फोर ऑप्शन गिवन है, इसमें से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है, की कॉन्सेप्ट इज हेड रीजन ऑफ, हेड रीजन ऑफ कॉकरोच। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें, तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट हेड रीजन, तो जो हेड रीजन होता है कॉकरोच का, इट कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई वन पेयर ऑफ सॉरी वन पेयर ऑफ एंटीने एंड दी माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स। तो अब हम सारे जो लेबल्स है वो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेबल है दैट इज ए, इट रिप्रेजेंट्स दी ऑसिलस। ए क्या है? ऑसिलस, और जिसको और क्या कहा जाता है, दिस ऑसिलस इज ऑल्सो नोन एज फेनेस्ट्री। फेनेस्ट्री भी बोला जाता है। अगर हम फंक्शन की बात करें, तो जो ऑसिलस होते हैं ये क्या होते हैं, पेयर्ड सर्कुलर एरियाज होते हैं। दीज आर दी पेयर्ड सर्कुलर एरियाज विच आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ आई। वन ऑन ईच साइड ऑफ आई। एंड फंक्शन की बात करें, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, इट बेसिकली एक्ट करती है एज अ सिंपल आई एंड हेल्प करती है लाइट के डिटेक्टिंग में। एक्ट एज सिंपल आई एंड हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बी गिवन है, बी इज कंपाउंड आई। बी इज कंपाउंड आई। कंपाउंड आई की अगर हम बात करें, तो कॉकरोच में एक पेयर प्रेजेंट होता है कंपाउंड आई का, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई इज प्रेजेंट। एंड जो कंपाउंड आई होती है ये क्या होता है, विजुअल ऑर्गन होता है। इट इज द विजुअल ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एंड द आर्थ्रोपोड्स ऑल्सो। एंड अगर फंक्शन की बात करें, तो इट बेसिकली ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन ब्राइटनेस और कलर में। डिस्टिंग्विश ब्राइटनेस एंड कलर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो जो सी पार्ट है, दिस सी पार्ट इज मैक्सिला। सॉरी, सी रिप्रेजेंट्स मैक्सिला। मैक्सिला बेसिकली पेयर्ड होता है एंड इट हेल्प इन दी, इट इज पेयर्ड एंड हेल्प इन दी टेस्टिंग ऑफ फूड। टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो डी पार्ट है, डी पार्ट इज व्हाट, डी पार्ट इज लेबियम।
And labium is what? Labium is the lower lip. Lower lip. एंड इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है क्या, फूड को मैनिपुलेट करना ड्यूरिंग मेस्टिकेशन. ओके, इट मैनिपुलेट फूड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन. नेक्स्ट पार्ट जो गिवन है दैट इज ई. ई पार्ट की अगर हम बात करें तो ई इज दी E is the labrum, which is also known as upper lip. Okay, upper lip. Labrum के अगर function की हम बात करें तो जो labrum होता है consist करता है flattened cuticle. It consists of flattened cuticle. एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, इट हेल्प टू होल्ड दी फूड. ये फूड को होल्ड करने में हेल्प करता है करेक्ट पोजिशन में. जब कॉकरोच क्या करता है, वेन कॉकरोच फीड्स. ओके, इट होल्ड दी फूड इन करेक्ट पोजिशन. करेक्ट पोजिशन वेन दी कॉकरोच फीड्स. When the cockroach feeds. अब अगर हम F part discuss करें तो F क्या है, F is the mandible. Okay, F represents mandible. Okay. अब मैंडिबल की अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ये भी पेयर्ड होते हैं, मैंडिबल भी पेयर्ड होते हैं. एंड जो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉकरोच को फूड को क्रश करने में और कट करने में. ओके, हेल्प द कॉकरोच टू क्रश एंड कट द फूड. टू क्रश एंड कट दी फूड. तो अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे गिवन है कि ए मैक्सिला है, विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि ए क्या है, ए इज ऑसिलस. तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में गिवन है ए ऑसिलस विच इज करेक्ट. बी कंपाउंड आई है जो कि करेक्ट है. सी है मैक्सिला विच इज ऑल्सो करेक्ट. डी है लेबियम विच इज ऑल्सो करेक्ट. ई इज लैब्रम करेक्ट. एंड को एफ बता रखा है मैंडिबल. तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एज पर आर डिस्कशन. रिमेनिंग जो सी और डी है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. सी में गिवन है कि ए ऑसिलस करेक्ट, बी कंपाउंड आई वो भी करेक्ट है, सी मैक्सिला वो भी करेक्ट है, डी में गिवन है यहाँ पे लेब्रम जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि लेब्रम इज ई नॉट डी. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड डी में ए मैंडिबल बता रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए पार्ट क्या है, ए इज ऑसिलस. तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि आंसर क्या है हमारा. आंसर इज बी. आंसर इज बी विच इज ए इज ऑसिलस, बी इज कंपाउंड आई. Compound I, C is maxilla, D is labium, E is labrum, and F is mandible. I hope you understood it well. Best of luck.